बच्चों। मैं तो नॉनवेज नहीं खाता। पर किसने कहा ये नॉनवेज है? ये तो वेजले का वेज मीट है। दर्शकों, भारत देश की बात करें तो इस समय आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहा है। हमारे बीच में कुमारी रिंकू हैं, जो कि निगम पार्षद होने के साथ ही विपक्ष की नेता भी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? इस समय देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज जो देश है वो आर्थिक मंदी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मोदी जी को चुना था क्योंकि बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े वादे मोदी जी ने किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि जनता के अच्छे दिन आए हैं। और दिन तो शायद मोदी जी के ही अच्छे आए हैं और नीरव मोदी जैसे लोगों के अच्छे आए हैं। आज आप देखिए, हर आदमी त्रस्त है, ना व्यापार कोई चल रहा है, ना ही कोई मतलब आप लोगों ने वैकेंसी क्रिएट की है, कुछ भी तो महंगाई चरम सीमा पर है। वो महंगाई तो होगी, आप देखिए ना पेट्रोल कितना, जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है। गरीब आदमी के बारे में ये सरकारें बिल्कुल ही सोच रही हैं। आपके बैंक खाली हो चुके हैं, जितने वादे इन लोगों ने किए थे धरातल पे एक भी नहीं है। चार साल में सिर्फ इन लोगों ने आधार से लिंक कराया चीज़ों को, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया। और जो कांग्रेस छोड़ कर गई थी काम, उनके उद्घाटन किए, आप एक भी नहीं। योग कराया, योग हम लोग रोज करते हैं, कोई नई नहीं है, मतलब प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। भारत की पहचान ही योग से है, मतलब हमारे देश ने क्या नहीं दिया है। आप कुछ नया तो देते, आप अपना विजन दिखाते। आपने कहा नए नोट दिए तो हैं, अब आप या तो मुझसे बोल लीजिए, नए नोट दिए हैं। देखिए, डीमोनेटाइजेशन सबसे बड़ा घोटाला निकलने वाला है इस देश का, क्योंकि जो हुआ है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जैसे ही ये लोग सत्ता से बाहर जाएंगे, इतना बड़ा घोटाला ये सामने आने वाला है जनता के, कि आप लोग बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। इन लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा लगा के सबको बेईमान कहा। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये लोग बेईमान है वाकई में? आज देश को क्या मिला? अच्छा, डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, नोटबंदी से देश को क्या मिला? जीएसटी से देश को क्या मिला? देश की जनता को आप क्या दे रहे हैं? आपने अच्छे दिन का वादा जो किया था, क्या आप दे पाए? सबका साथ सबका विकास कहा था। आज ये मुस्लिम हैं, इलियास मेरे साथ खड़े हैं, ये दोनों में मतलब इतना गैप कर दिया है। पहले हम लोग जमुना तहजीब से रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मगर आज क्या है, हर आदमी सस्पेक्टेड नज़रों से लोगों को देख रहा है कि नहीं ये मुस्लिम है। तो आप लोगों ने तो हमारा भाईचारा ही खत्म कर दिया, जो इस देश की पहचान थी वो ही खत्म कर दी। साफ नियत, सही विकास हो रहा है नहीं? देखिए, नियत कितनी साफ है आपको दिख रहा है, मैंने अभी बोला ना, आपने देश को बांट दिया, इससे गंदी नियत क्या होगी आपकी? आपकी नियत दिख रही थी कि अडवाणी जी जैसे लोगों को आपने राष्ट्रपति नहीं बनाया। आपकी नियत दिख रही है कि एक राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को आप मंदिर में नहीं घुसने दे रहे, इससे ज्यादा साफ नियत क्या होगी? आज देखने में आ रहा है कि मोदी सरकार चार साल बेमिसाल कर रही है। उत्तर पूर्वी लोकसभा के सांसद के बारे में क्या कहना है? कितना देखिए, आप कुछ भी कहिए, अभी आप सत्ता में हैं, चाहे बेमिसाल कहिए, चाहे बहुत अच्छा सा कुछ भी कहिए, मगर आप जनता से ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे सांसद साहब पूरे चार साल से हमें कहीं नजर नहीं आए हैं। ठीक है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, मगर जिस क्षेत्र को आपने चुना है, जिस क्षेत्र की जनता ने आपको चुना है, काम के लिए चुना है, मैं ये दावा कर रही हूँ कि पूरा ये जितना भी क्षेत्र है उन्होंने एक भी काम, नॉट इवन वन, मतलब हम लोग टिप्स पे गिन सकते हैं, एक भी काम इस क्षेत्र को नहीं दिया है। अगर मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ तो मुझे कोर्ट में ले जा सकते हैं। एमपी साहब, नहीं भाटी साहब, क्या कहना चाहेंगे आर्थिक मंदी? नहीं, आर्थिक मंदी की तो आपको भी पता है, आज हिंदुस्तान में बैंक जो है वो दिवालिया होने के कगार पर खड़े हैं। आज अपना ही पैसा निकाल नहीं, अपना ही पैसा नहीं निकाल सकते। आप बैंकों में जाके देखो, इतनी दयनीय स्थिति है कि हम उसको देख नहीं सकते। वहीं विकास की बात करें, कितना विकास? विकास तो आपको बताइए कितना मोदी जी विकास कर रहे हैं जी। 1-2 किलोमीटर का अभी वो बनाया था, समझे नहीं, समझे नहीं, विकास तो पैदा ही नहीं हुआ। विकास पैदा नहीं हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? विकास तो कुछ ही नहीं किया अभी तक। हम जो यहाँ आए हैं, आपका हमारे सांसद हैं यहाँ, उन्होंने यहाँ तक कुछ आकर के ही किसी को नहीं देखा कि यहाँ जनता किस हाल में रह रही है, कैसे रह रही है। कभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया, जनता उनको देखने को भी तरसती है, कहाँ है, कैसे हैं। इलास भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने नेता की बात से सहमत हूँ, जो इन्होंने बोला वो बेरोजगारी दूर हुई मोदी सरकार सर, युवाओं को रोजगार देने की बजाय हिंदू मुस्लिम में लगा दिया गया। और युवाओं को अगर इन चीज़ों को रख के आप रोजगार देने पे बात करते तो युवा सालों साल तक आपको याद करता और आपकी पूजा करता। हालांकि आपने रोजगार ना देने की, रोजगार नहीं दे करके आपने
हिंदू मुस्लिम भाईचारे को समाप्त कर दिया और जो मेरे नेता ने जो नेताओं ने बात मैम अभी 5 दिन पहले जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता ने प्रदर्शन करा, आपकी क्या राय? प्रदर्शन का धरना किया, धरना हाँ तो ये धरना मतलब अगर सरकारें चुनी हुई सरकारें धरने पर जाएंगी तो इस दिल्ली का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, आप ये सोचिए ना। कांग्रेस पार्टी मोदी जी कहते हैं ना 70 साल राज किया, क्या कभी ऐसे दिन आए कांग्रेस के राज में? क्या चुनी हुई सरकारें कभी धरने पे गई? धरने पे तब जाता है आदमी जब आपकी कहना नहीं माना जाता, बातें नहीं सुनी जाती। वापसी जनता, क्या जनता को पानी दे पा रही है ये सरकार? क्या बिजली दे पा रही है ये सरकार? क्या रोजगार दे पा रही है ये सरकार? जो वादे इन लोगों ने किए थे क्या दिए थे? क्या इन सारी चीज़ों के लिए धरने पर बैठना जरूरी है? आप चुनी हुई सरकार हैं, आपके पास 67 विधायक हैं, आपके पास क्या नहीं है और उसके बाद आप धरने पर बैठ रहे हो? तो ये तो सरासर लोगों के साथ जनता वापसी कांग्रेस का मुंह कर रही है दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी के कार्य को देखिए। हाँ ये हकीकत है कि जनता सच में कांग्रेस के पास मुड़कर आ रही है और आने वाले समय में ये कांग्रेस की ही सरकारें दिल्ली में बनेंगी, चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो। और क्योंकि इस देश को कांग्रेस ने अगर पॉजिटिवली चुनाव हुआ तो नहीं पॉजिटिवली ही होगा, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव होगा और ये हमें मतलब हम भी पॉजिटिव हैं कि कांग्रेस की सरकार वापस से दिल्ली में बनने वाली है। और क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को अपने खून से सींचा है, जहाँ तक लेकर आए हैं वो सिर्फ कांग्रेस की ही देन है। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज जेट प्लेन्स बनते हैं, आज ये जो जीवन स्तर हम लोगों का ऊंचा हुआ है वो भी कांग्रेस की देन है। मैं एक दलित हूँ, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि दलितों को जो सम्मान दिलाया है वो भी कांग्रेस ने दिलाया है। तो कांग्रेस ही इस देश को राज करेगी और कांग्रेस ही इस देश को और आगे